हेलो फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट के आफ्टर पाई अपडेट के बाद कुछ फीचर्स के बारे में जो कि मोस्ट फीचर इसमें एडेड हुआ है। दोस्तों वो फीचर जानने के लिए मेरे चैनल पर अगर आप दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए क्योंकि दोस्तों मैं रोज़ अपने चैनल पर ऐसे ही वीडियो लाता रहता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मेरा यहाँ पे फाइनली सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट फ़ोन है। यहाँ पे इसका लुक काफ़ी चेंज हो गया है, इसका आइकन और इसका मैसेज का आइकन यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे लुक चेंज हो गए हैं। और दोस्तों इसमें और भी आपको यहाँ पे फीचर्स मैं आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका गूगल राउंड बार हो गया है, यहाँ पे राउंड में हो गया है इसका गूगल बार, तो काफ़ी बढ़िया लुक इसका लग रहा है। और दोस्तों यहाँ पे मैं बात करूँ कि यहाँ पे कैमरा की, तो कैमरा में भी यहाँ पे काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। और दोस्तों यहाँ पे काफ़ी मैं यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पे पहले ये फ़ोन ओरियो पे था, तो यहाँ इसका जो यहाँ पे टाइम है, इसका टाइम यहाँ पे राइट साइड में था, अब ये लेफ्ट साइड कॉर्नर पे चला गया है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ बता दूँ कि यहाँ पे गैलरी जैसे एक फीचर बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और मुझे अच्छा लगा। दोस्तों यहाँ पे इस फ़ोन में आफ्टर पाई अपडेट के बाद यहाँ पे इस फ़ोन में रिसाइकल बिन एडेड हुआ है। यहाँ पे मैं जैसे गैलरी ओपन कर रहा हूँ तो मैं यहाँ पे कोई भी यहाँ पे फ़ोटो या फिर कुछ यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ तो यहाँ पे पहले ये रिसाइकल बिन में चला जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं मैं इसे डिलीट कर रहा हूँ, यहाँ पे मूव टू रिसाइकल बिन, यहाँ पे पहले रिसाइकल बिन में चला जा रहा है। जैसे कोई भी आपसे गलती से फाइल डिलीट हो जाए तो फिर से उसे वापस ला सकते हैं। उसके बाद उसे वापस लाने के लिए या फिर वहाँ से परमानेंटली डिलीट करने के लिए यहाँ पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना होगा। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसाइकल बिन यहाँ पे नीचे आपको दिखेगा, नीचे से 3rd नंबर पे, तो यहाँ पे रिसाइकल बिन में देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो डिलीट किए होगा फाइल यहाँ पे वो यहाँ पे है। तो यहाँ से अगर आप डिलीट कर देंगे तो ये परमानेंटली यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों इसे फिर से वापस लाना चाहेंगे तो यहाँ पे आपको रिस्टोर पे क्लिक कर देना होगा। तो यहाँ से मैं ये रिस्टोर कर लेता हूँ, या यहाँ से फिर से ये रिस्टोरिंग होकर यहाँ पे वहीं पे चला आया है, देख सकते हैं। तो दोस्तों ये फीचर मुझको काफ़ी अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों मैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पैनल भी यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया लुक लग रहा है यहाँ इसका। और दोस्तों इसमें एक नाइट मोड फीचर ऐड हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाइट मोड काफ़ी अच्छा दिख रहा है पहले से, इसका काफ़ी अच्छा लुक दिख रहा है पहले से। दोस्तों ये नाइट मोड भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों बात करें इसका सेटिंग की तो यहाँ पे सेटिंग भी हम देख ले रहे हैं, इसका सेटिंग भी एकदम कूल और ऑसम दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सेटिंग का लोगो यहाँ पे एक बड़ा में दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों इसका भी यहाँ पे कुछ आइकन भी चेंज हो गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। दोस्तों काफ़ी बढ़िया पहले से हो गया है सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट आफ्टर पाई अपडेट के बाद, और काफ़ी कुछ चेंजेस हुए हैं छोटे छोटे, यहाँ पे नोटिफिकेशन भी यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो दोस्तों और दोस्तों मैं आपको कैमरा यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ ओपन करके, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रंट कैमरा में यहाँ पे लाइव फोकस का ऑप्शन मिल रहा है आपको, यहाँ पे देख सकते हैं लाइव फोकस, ये जो पहले नहीं था लाइव फोकस का ऑप्शन ये अब मिला है, तो काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे वाइड सेल्फी भी है। दोस्तों काफ़ी बढ़िया कुछ चेंजेस हुए हैं यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट में आफ्टर पाई अपडेट के बाद, और पहले से भी कुछ ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। और दोस्तों मैं आपका यहाँ पे मैं एक बग बताने वाला हूँ जो कि यहाँ पे काफ़ी सारे यूज़र्स को यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहे हैं, जो कि यहाँ पे इसकी बैटरी चार्जिंग के हैं। ये कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है यहाँ पे, इसकी बैटरी चार्जिंग में बहुत ही ज़्यादा स्लो चार्जिंग हो रहा है जैसे सैमसंग गैलेक्सी J7 नेक्स्ट आफ्टर पाई अपडेट के बाद। तो दोस्तों इसको देखते हैं सैमसंग वालों ने कब तक यहाँ पर फिक्स करते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद। दोस्तों तब तक के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।